कम है पीएस क्लासेस में और सुबह सुबह की शिक्षा की खबरें लेकर मैं प्रेजेंट हो गया हूं। और आज के समाचार पत्रों में पहली खबर छाई है, दो अतिरिक्त अवसर की मांग का सरकार ने लिया संज्ञान। बता दें दोस्तों, पीसीएस परीक्षा में बदलाव से प्रभावित प्रतियोगी छात्रों ने की थी मांग, मुख्यमंत्री तक पहुंचा मामला, संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए लिखा गया पत्र। बता दें दोस्तों, पीसीएस परीक्षा में लगातार हो रहे बदलावों के मद्देनजर ओवर एज अभ्यर्थियों को दो अतिरिक्त अवसर दिए जाने की अभ्यर्थियों की मांग पर शासन ने संज्ञान लिया है। मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचने के बाद शासन स्तर से मामले में उचित कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को पत्र भेजा गया है। हालांकि प्रतियोगी छात्र पीसीएस 2020 और पीसीएस 2021 में अतिरिक्त अवसर की मांग कर रहे थे, जबकि पीसीएस 2020 का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। छात्रों की मांग है कि अब पीसीएस 2021 और पीसीएस 2022 में ओवर एज अभ्यर्थियों को दो अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जाएं। तो आज का समाचार दोस्तों ये हो गया। आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे पुराने व्यूअर आप हैं तो केवल लाइक कर दीजिएगा, नए व्यूअर हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई है, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा कल से, फोटो आईडी भी रखनी होगी साथ, जन्मतिथि का अंकित होना अनिवार्य। बता दें दोस्तों, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से कांस्टेबल भर्ती कार्यकारी पुरुष एवं महिला परीक्षा 2020 का आयोजन 27 नवंबर से 14 दिसंबर तक विभिन्न तिथियों में किया जाएगा। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए देश भर से 28,77,035 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, जिनमें एसएससी मध्य क्षेत्र से 7,06,640 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी और 90-90 मिनट की 3 पालियों, सुबह 9 से 10:30 बजे, दोपहर 12:30 से 2 बजे और शाम 4 से 5:30 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 23 मिनट पहले केंद्र में रिपोर्ट करनी होगी। अभ्यर्थी परीक्षा से 3 दिन पूर्व एसएससी की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में अपने साथ फोटो आईडी भी लानी होगी। आईडी से संबंधित अभ्यर्थी की जन्मतिथि भी अंकित होनी चाहिए और जन्मतिथि वही होनी चाहिए जो अभ्यर्थी ने आवेदन में भरी है। तो दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई है, यूपी बोर्ड एक केंद्र में 800 से ज्यादा नहीं होंगे परीक्षार्थी। यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 में परीक्षा केंद्रों पर कोरोना की रोकथाम व सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाएगा। एक परीक्षा केंद्र पर 2 पालियों में कम से कम 150 और अधिकतम 800 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा दे सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हर परीक्षार्थी को एक कक्ष में 36 वर्ग फीट की जगह देनी होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बुधवार को ऑनलाइन परीक्षा केंद्र निर्धारण की गाइडलाइन जारी की है। तो दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई है, प्रवक्ता पदों पर करें ऑनलाइन आवेदन। बता दें दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर आरपीएससी ने भी प्रवक्ता के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा है। पद जो है प्रवक्ता सिविल, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, अंग्रेजी, गणित, भौतिक एवं रसायन, 39 पद है। आयु सीमा जो है 21 से 40 वर्ष है। 1 जनवरी 2021 को आवेदन शुल्क जो है 350 रुपये, 250 रुपये, 150 रुपये वर्ग अनुसार है। पे बैंड जो है 15,600 से 39,100 रुपये है और इसकी जो वेबसाइट है http://rpsc.rajasthan.gov.in पर आप आवेदन क्लिक करके कर सकते हैं। पात्रताएं जो है प्रथम श्रेणी से निर्धारित विषय में स्नातक, परास्नातक, अंतिम वर्ष में शामिल अभ्यर्थी भी एवं अन्य पात्रताएं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि 28 नवंबर 2020 से है और आवेदन की अंतिम तिथि 27 दिसंबर 2020 से है। तो यूपी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर सहित कई पदों पर मौका है दोस्तों। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज यूपी पीएससी से भी 328 कुल पद निकले हैं जिसके लिए आवेदन मांगे गए हैं।